दोस्तों, आप लोगों को कभी ऐसा समय भी आया होगा या आपके यार दोस्त या रिश्तेदारों में कि कभी 3 पहिया खरीदना हो, सेकंड हैंड, या 4 पहिया, या ऑटो, या टाटा एस हो, या ट्रक्स वगैरह खरीदना हो, तो हम लोग गाड़ी अक्सर करके देखते हैं। कुछ लोग नया खरीदते हैं, कुछ पुराना है और सेकंड हैंड खरीदते हैं। तो अक्सर करके मैंने देख रहा हूँ लोगों को कि यार्ड वगैरह ज्यादा जाते हैं, क्योंकि तो यार्ड में खींचो ही गाड़ियाँ आपको मिलती है बहुत ही सस्ते दाम में, और अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है ना। तो आज कार हो चाहे ट्रक हो, बस हो, जो भी हो, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों एक ऐसे यार्ड के बारे में जहाँ आपको आसानी से बहुत ही कम दामों में, मतलब जो उनका रेट है वो तो दे गई। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री राम यार्ड का। जी हाँ दोस्तों, आज आपको जो वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप बस में बैठिए और आइए सीधा कहाँ, चरोदा, भिलाई चरोदा, है ना। तो भिलाई चरोदा पहले एक साई मंदिर पड़ता है, देख सकते हैं साई मंदिर है ना। साई मंदिर पड़ेगा, इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, पूरा चरोदा भी नहीं जाना है तो, है ना। तो बस वाले बोल दीजिए भैया हमको यार्ड के पास उतारना है, तो वो रास्ते में क्रॉसिंग है वहां पे उतारेगा, या थोड़ा सा आगे में जहाँ रास्ता कटा हुआ है वहां पे उतार देगा, है ना। और दोस्तों ये जो यार्ड है मेन रोड के ऊपर है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ, रोड के इस पार आ गया हूँ, क्योंकि मैं रायपुर साइड से आया था ना दोस्तों। तो ये जो गाड़ियाँ जा रही है रायपुर की जा रही है, और मैं ये देख सकते हैं ना जो ट्रक जा रहा है वो तो खैर भी लगी है, जो कार वगैरह आ रहे हैं सब ट्रक वगैरह ये सब रायपुर की ओर जा रहे हैं, है ना। आप भिलाई से रायपुर की ओर जाओगे तो इस साइड पड़ेगा, है ना। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो रास्ता उधर से देखना, उस तरफ से उधर से जो ट्रकें वगैरह आएंगी, ये देखिए ट्रक वगैरह आ रही है, ये सब रायपुर से आ रही है भिलाई की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, रायपुर से भिलाई की ओर जा रही है गाड़ियाँ, और दुर्ग से भिलाई से रायपुर की ओर जाने वाले साइड में पड़ेगा अपने को। ठीक है, आगे जो डिवाइडर मैं आपको बताया था यहीं से सामने से कटा हुआ, वहां से आप अपोजिट साइड में आ जाइए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बस मेन रोड पे उतर जाना है, और ये देख सकते हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ यार्ड, ये देखिए पेड़ पौधे हैं दोस्तों, तो इस कारण आपको यार्ड नहीं दिखेगा। बहुत से लोगों को देखा हूँ दोस्तों कि यार गाड़ी वगैरह बुक करके आते हैं जबरदस्ती में 600 700 में, जो नहीं देखे हैं, और ये यूट्यूब खासकर मैं उनके लिए बनाया हूँ। जय जोहर छत्तीसगढ़ दोस्तों, मेरा नाम मानेंद्र, राजधानी गाइड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आया था यार्ड, और प्लीज यार दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं गाड़ी लेके यार ऑटो लेकर अपने यहाँ तक आता हूँ भाई, थोड़ा सा मेहनत भी चलता है, मेरा जिगर भी जलता है यार, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो यहाँ पे आया हूँ, देखिए झाड़ियाँ वगैरह दिख रही दोस्तों, है ना। तो झाड़ियों के पीछे ये यार्ड, ठीक है, आप मेन रोड से देखोगे ना दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे यार्ड है। जिनको जानकारी है उन्हीं को ही पता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ, करीब से दिखाता हूँ श्री राम का यार्ड कहाँ पे है। आइए मेरे साथ बने रहिए, आप मेन रोड में ये दोस्तों, आपको अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मुश्किल से 50 मीटर रही हुई, मुश्किल से 50 मीटर अंदर होगा मुश्किल से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आ चुका है श्री राम का यार्ड। ये देखिए ये जो घेरा वगैरह बना हुआ है, देखिए चारों साइड बाउंड्री वॉल बना हुआ ना, ये है श्री राम यार्ड दोस्तों। हाँ ये रहा आपका श्री राम यार्ड, यहाँ देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खींची हुई आती है, लोग खरीदने भी आते हैं, कुछ गाड़ियों को अंदर डालने भी आते हैं, है ना दोस्तों। ये देख सकते हैं आप यार्ड, और आपको वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया कीजिए। हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि भाइयों मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखा लोग प्राइवेट गाड़ी करके आते हैं बहुत महंगे रेट पे, और बहुत से लोग खोजते हैं, तो इसलिए मैं बोला इस चीज पे मैं वीडियो बना दूँ, इसलिए मैं यहाँ आया था। भिलाई चरोदा में जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।